नमस्कार, मैं हूं नंदनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कभी विवादों को लेकर चर्चा में आ जाते हैं तो कभी कभी नई योजनाओं को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में अबकारी नीति पर विवाद खबरों का हिस्सा रहा। इसी बीच अब अरविंद केजरीवाल अंग्रेजी सिखाने के लिए स्पेशल कोर्स लेकर के आए हैं। इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। इससे हमारे नए नए वीडियोस के अलर्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं दिल्ली में इंग्लिश कोचिंग की। दिल्ली में लोगों को अंग्रेजी सिखाने के लिए तमाम सेंटर खोले जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैसे तो ये कोर्स निशुल्क है, लेकिन शुरू में 950 रुपए की सिक्योरिटी रखवाई जाएगी। अगर आप कोर्स खत्म कर लेते हैं तो आपको कोर्स के अंत में 950 रुपए वापस मिल जाएंगे। हम नहीं चाहते कि कोई 3-4 दिन में कोर्स छोड़ दे और सीट खराब हो। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि 1 साल में 1 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले चरण में दिल्ली में 50 सेंटर खोले जा रहे हैं। 18 से 35 साल के युवाओं को इनमें एडमिशन मिलेगा। 3 से 4 महीने का कोर्स होगा। इवनिंग और वीकेंड कोर्स की सुविधा भी होगी। दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इस कोर्स को चलाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों की इंग्लिश को मजबूत करने के लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर आई है। इससे बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होंगे। दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी इस कोर्स को चलाएगी। इस कोर्स को लेकर 4 मुख्य बिंदु ध्यान में रखने वाले हैं। पहला कि मैकमिलन और वर्ड्सवर्थ के साथ टाइप अप किया जाएगा। साथ ही 18 से 35 साल के युवाओं को इसमें एडमिशन दिया जाएगा। यह कोर्स 3 से 4 महीने का होगा और साथ ही केजरीवाल ने कहा कि इस कोर्स के पीछे हमारा सपना है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। यहाँ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में अबकारी नीति को लेकर सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने आ गए हैं। इस विवाद के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कई आरोप भी लगे हैं और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। इन सब विवाद के बीच अंग्रेजी सिखाने की यह नीति कितनी कारगर होती है और इससे दिल्ली वासियों को कोई लाभ होता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध हैं और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं।